स्टूडेंट्स, अब हम महाभारत की कथा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें राजा शांतनु का वर्णन है। एक राजा हुए हैं जिनका नाम शांतनु था। एक दिन महाराज शांतनु कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। रास्ते में उनकी भेंट गंगा से हुई। उन्होंने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा कि हे राजन, मेरी एक शर्त है। अगर आपको मेरी शर्त स्वीकार है तो मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। राजा शांतनु ने गंगा से शर्त पूछी तो गंगा ने कहा कि हे राजन, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी कार्य करूंगी आप उसमें बाधा नहीं डालेंगे और ना ही मुझे किसी कार्य को करने से रोकेंगे। राजा शांतनु ने उनकी शर्त को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म देते ही गंगा ने इसे नदी में प्रवाह कर दिया। इस तरह से गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को नदी में प्रवाह कर दिया। फिर गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। गंगा इसे भी नदी में प्रवाह करने जा रही थी तो महाराज शांतनु ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। गंगा ने कहा कि हे राजन, आपने शर्त के अनुसार मुझे इस कार्य को करने से रोका है। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अभी ये पुत्र छोटा है, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे आपको सौंप दूंगी। तब तक मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। कुछ वर्षों के बाद राजा शांतनु बाहर घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक अपने बाणों से गंगा के वेग को रोक रहा है, यानी कि तीरों से गंगा के जल को बांध रहा है। राजा शांतनु बहुत हैरान हो जाते हैं। इतने में गंगा आ जाती है और राजा शांतनु से कहती है कि ये बालक कोई और नहीं, ये आपका ही पुत्र है। यही देवव्रत ही आगे भविष्य में जाकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे।